गोपाल कांडा एक बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति का। नाम है, बड़ा नाम, बड़ा भी है और मशहूर भी है। ठीक है, मशहूर नाम है जी। ठीक है, इशारे इशारे में बहुत कुछ कह दिया आपने। क्यों नहीं, गोपाल कांडा ने पूरी कोशिश की भारतीय जनता पार्टी से, अमित शाह से लेकर के और नायब सैनी तक, और जो उनके वो जो जिले के प्रभारी होंगे ना शायद, वहाँ से लेकर के और राष्ट्रीय संगठन मंत्री और प्रभारी तक। एक दिन मैं मनोहर लाल खट्टर के निवास का नजारा देख रहा था तो गाड़ी घुसी और गाड़ी निकली जी गोपाल कांडा की। क्या लगता है मोल भाव क्यों नहीं हुआ होगा वहाँ पर? हनोपा का जो गोविंद कांडा का जो है प्रभाव वो सिरसा में ही है। जब रंजीत चौटाला जाने लगे तो अपोज भी तो नहीं किया ना भाजपा ने, भाई हमारा कैंडिडेट नहीं है आप रुकिए ना? बिल्कुल नहीं कहा यार, रंजीत को निकालना था, देनी नहीं है इसको, जा रहा जाने तो कोई बात नहीं। क्या बड़ी शक्ति बन सकता है ये गठबंधन हनोपा इनेलो प्लस बीएसपी सिरसा जिले में खासकर? दोस्तों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों का आवंटन हो चुका, नामांकन हो चुके और जो कैंडिडेट जिन्होंने नामांकन यानी कि पर्चा दाखिल करना था वो कर चुके हैं और अब चुनाव प्रचार को गति मिलनी शुरू हो जाएगी 16 तारीख से। कल यानी कि 13 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 16 तक नाम विड्रॉ कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ऐसी पार्टियां रही कि जिनके अंदर टिकट का सबसे बड़ा इंतजार था, इसीलिए दोनों पार्टियों ने टिकटें लेट भी की और दोनों पार्टियों की टिकटों की घोषणा होते ही दोनों ही पार्टियों में भागम भाग भी पूरी हुई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से टिकट ना मिलने वाले लोगों के लिए कौन सा गठबंधन या कौन सा दल प्राथमिकता बना, हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी तीसरी पार्टी के रूप में सामने आ सकती है, इस कुछ मुद्दे को लेकर मैं चर्चा में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। टिकटें बढ़ गई, नामांकन हो गए जी, किसी ने यहाँ से किसी ने वहां से, जिसका जहां दाव लगा जिसको लड़ना था वो मैदान में आ गया जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 90 की 90 सीटें डिक्लेयर कर दी, कोई गठबंधन नहीं हुआ। बिल्कुल, बातें चल रही थी हनोपा के साथ, ये वो कुछ नहीं हुआ जी। कांग्रेस ने भी अपनी 90 में से 89 सीटें दे दी जी। जो गठबंधन की बात चली थी आम आदमी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ, वो कुछ नहीं हुआ जी। एक सीट भिवानी की सीट दी है CPIM को, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जी। दोनों ही पार्टियों से, बीजेपी और कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ। मैं पलायन कहता हूं कि जब नहीं, ठीक है, एक अच्छी तलाश में कहीं जाना हो। इस सब में आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी पहली गठबंधन बनी, बसपा इनेलो गठबंधन, जजपा असपा गठबंधन या आम आदमी पार्टी? देखिए, लोगों की प्राथमिकता तो कांग्रेस जी और बीजेपी थी जी, दोनों में लोगों की चाहना थी भी टिकट मिले, जो जिससे जुड़ा हुआ था उसके प्रयास यही थे कि उस पार्टी से उसको टिकट मिले। और कुछ सीरियस कैंडिडेट थे जिनको ये था कि मैंने चुनाव लड़ना ही है, तो उन्होंने अपनी राजनीतिक जो है विरासत को कायम रखने का ठान रखी है। उन्होंने फिर जब चुनाव लड़ना है तो आपने सीधा सवाल किया कि उसकी प्राथमिकता क्या रही जी। इंडिपेंडेंट तो बहुत बाद की मजबूरी का है, आज के दिन जो लोगों की प्राथमिकता नजर आ रही है और जो दिखाई दे रही है वो इनेलो बीएसपी का जो गठबंधन था, आज तो उसमें हनोपा भी शामिल हो गया है जी। तो लोगों की प्राथमिकता इसकी तरफ रही है कि भी ये टिकट कांग्रेस की और बीजेपी की ना मिली तो अब ये तीसरा जो है ना इधर टिकट मिल जाए, तो उन्होंने प्रेफर किया है, उनकी प्रेफरेंस यही रही है जी जी, नो डाउट। अगर हम देखें जी इनेलो और बीजेपी की तरफ, इनेलो और बसपा की बात अगर पहले कर लें जी, तो जो लोग इनेलो बसपा गठबंधन में जिनके जाने की चर्चाएं रही जी, उनमें जो प्रमुख नाम कह सकते हैं तो नगेंद्र भड़ाना का नाम कह सकते हैं जी, कि वो उनको टिकट बीजेपी का नहीं मिला तो वो गए जी। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर दया भड़ाना कह सकते हैं जी, उसके बाद हबीब हैं फिरोजपुर झिरका से, उनका नाम कह सकते हैं जी। उसके बाद देखें तो फिर जाकिर हुसैन के बेटे का बड़ी चर्चा चली इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव लड़ने की, मुझे पता नहीं उनका टिकट हुआ या नहीं हुआ, ताहिर हुसैन का नहीं हो गया वो हुआ जी। अगर आपने कहा कि इनेलो बीएसपी पहली पसंद थी जी, हाँ जी, पसंद में तो जेजेपी भी थी,
रविंदर सहरावत हथीन से टिकट नहीं मिला बीजेपी का, वो जेजेपी की तरफ गए। भाई जैसा है कि ये तो आप पार्टी का भी लिया है लोगों ने, छतर सिंह गए बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी से टिकट लिया, वो भी गए। सतीश यादव ने रेवाड़ी का टिकट लिया, लेकिन जिसको ये लग रहा था कि मुझे यहाँ नहीं टिकट मिलेगा या उसकी इक्वेशन नहीं बैठती, वो उसको वहाँ नहीं जाना था। ये भी तो एक होता है ना आदमी का, एक इक्वेशन का भी तो एक सवाल आता है। जी जी, जिसकी इक्वेशन नहीं बैठ रही है इनेलो के साथ, या इनेलो छोड़ के आए हों दोबारा, वो दुत्कारे हों या वो काली भेड़ जिसको चौटाला साहब कहते हों, मुझे लगता नहीं कि दुत्कारे और छोड़े हुए लोगों के लिए कोई वहां पर कोई प्रतिबंध हो, चूज की बात रही हो या पिक एंड चूज वाला का बात रही हो। नगेंद्र भड़ाना ने भी छोड़ी थी पार्टी, उनको भाग के लिया। जाकिर हुसैन ने छोड़ी थी पार्टी, उनको भाग के लिया। ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना इक्वेशन की भी है, कई बार इक्वेशन बिगड़ जाती है, कई बार नहीं होती, कई एंगल देखे जाते, लेकिन फिर भी कमोबेश पसंद जो है आज वो इनेलो और बीएसपी गठबंधन जी। गोपाल कांडा एक बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति का, जी नाम है, बड़ा नाम, बड़ा भी है और मशहूर भी है। ठीक है, मशहूर नाम है जी, ठीक है। इशारे इशारे में बहुत कुछ कह दिया आपने, क्यों नहीं, क्यों नहीं। दो बार एमएलए बने, हाँ, 2009-2019 जी। गोपाल कांडा ने पूरी कोशिश की भारतीय जनता पार्टी से जी, अमित शाह से लेकर के और नायब सैनी तक जी, और जो उनके वो जो जिले के प्रभारी होंगे ना शायद वहां से लेकर के और ऊपर तक राष्ट्रीय संगठन मंत्री और प्रभारी तक। एक दिन मैं मनोहरलाल खट्टर के निवास का नजारा देख रहा था तो गाड़ी घुसी और गाड़ी निकली जी गोपाल कांडा की जी। क्या लगता है मोल भाव क्यों नहीं हुआ होगा वहां पर? देखिए, जहां आपने कहा ना कि नायब सैनी ने तो ये बात सरेआम कह दी थी कि हमारा समझौता हो गया है, हलोपा से हम मिलकर लड़ेंगे, बिल्कुल डंके की चोट पे कहा, घोषणा की पब्लिकली, बिल्कुल। अब लोगों को तो ये मानना था, रानिया से धवल का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गोपाल कांडा ने अपने भतीजे को जी, धवल का कैंडिडेटशिप डिक्लेयर होने के बाद रंजीत चौटाला जो रुखसाई हुई सारी वहीं से शुरू हुई जी, और रंजीत चौटाला पार्टी छोड़ गए जी। रंजीत तो कह रहे मुझे डब्बाली ऑफर की थी जी, पर मुझे तो रानिया लड़ना था जी, वो रंजीत जाने या भाजपा आलाकमान वाले जाने, ठीक है बात। लेकिन ये जरूर है कि गोपाल कांडा के बेटे के सामने रंजीत को प्रेफर नहीं किया गया था उस समय जी, किसी भी नेता ने आगे आके नहीं कहा था, तो फिर क्या रीजन रहा होगा, क्या लगता है कि भाजपा ने गोपाल कांडा के भतीजे या लड़का जो भी था उसके लिए भाजपा ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी? भाजपा ने अनाउंसमेंट नहीं किया, उसके भाई ने गोविंद ने कहा था कि ये चुनाव लड़ेंगे, जब जब रंजीत चौटाला जाने लगे तो अपोज भी तो नहीं किया ना भाजपा ने, अपोज भाई हमारा कैंडिडेट नहीं है आप रुकिए ना, बिल्कुल नहीं कहा। यार रंजीत को निकालना था, देनी नहीं है इसको, जा रहा जाने तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा ने ये बिल्कुल नहीं कहा और ना कोई इस बात का समर्थन किया और ना इस बात को उचित समझा, लेकिन ये बड़ा अटपटा था कि गोविंद कांडा ये कहते हुए कि भी मैं भाजपा से चुनाव लड़ूंगा और ये पार्टी देखे मैं जहाँ से भी लड़ाएगी मैं वहाँ से लड़ने में सक्षम हूँ, मुझे कहीं से भी लड़ाए, तो उम्मीद ये थी कि उनको शायद इलाहाबाद से लड़ाया जाएगा और सिरसा की सीट हलोपा के लिए छोड़ी जाएगी, और आखिर तक वो अनाउंस नहीं किया हलोपा ने सिरसा की सीट बीजेपी ने। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि बीजेपी ने, कहते हैं ना कि भाई को भाई से भी एक बार वो अलग करने का, शायद ये हो कि हम ये सीट जो है गोविंद को भाजपा से लड़ाना चाहते हैं, सिरसा जी, तो वो है दोनों भाइयों का आपस में टकराव ना हो, हो सकता है ना माने हो, तो ये भी एक चर्चा थी कि गोविंद को वहाँ से भाजपा लड़ा दे और इसका भी कांटा निकाल दे गोपाल का भी जी। चलिए सुरजवाला जी, सिरसा जो जिला है जी, खासकर लोकसभा की बात नहीं कर रहा, सिरसा जिले की बात कर रहा हूँ, सिरसा जिले के अंदर गोपाल कांडा का भी अच्छा असर है क्योंकि गोपाल कांडा खुद सिरसा से विधायक थे जी, के एलनाबाद से जो टिकट मिला था जी गोविंद कांडा को जी, बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा था, बड़ी अच्छी फाइट हुई थी, बाय-इलेक्शन रानिया की तैयारी कर रहे थे जी, तो इसका मतलब रानिया में पीछे लड़ा था गोविंद, लड़ा भी है गोविंद,
वजूद वजन है, 2019 में लड़ा था। क्या बड़ी शक्ति बन सकता है ये गठबंधन हलोपा इनेलो प्लस बीएसपी सिरसा जिले में खासकर? हलोपा का जो गोविंद कांडा का जो है प्रभाव वो सिरसा में ही है, जो इसकी कुटिया है उस तारा बाबा कुटिया, तारा बाबा कुटिया उसके जो श्रद्धालु हैं उन पे और शहर में, क्योंकि आज का जो चुनाव है बड़ा खर्चीला और पैसे का चुनाव है, उसमें गोपाल कांडा कोई कोताही नहीं बरतते, खूब बखूब इस्तेमाल करते हैं धनबल का जी, तो प्रभाव तो वो उस बात का तो है। बाकी इनेलो का अपना वो रहा है गढ़ सिरसा में, नो डाउट के इनेलो का प्रभाव तो रहा है। ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद निरंतर इसमें वो रहा था, सिरसा जिला में उनका प्रभाव रहा था जी। अब सरकारें बदली तो प्रभाव निश्चित तौर पर नज़र नहीं आया। चलिए अंतिम सवाल पे आते हैं, आपने जो बताया कि इनेलो और बसपा प्लस हलोपा ये गठबंधन लोगों की प्राथमिकता रही चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग, तीसरी प्राथमिकता जिनको बीजेपी और कांग्रेस से नो हो गई, मना हो गया, लेकिन वो तो आज सामने आ गया, जिन्होंने लड़ना था वहां से ले आए, लेकिन फिर भी पसंद इनकी ये रही टिकट। हाँ जी, टिकट वाली बात तो चलो सारी हो गई जी। मैंने आपको कहा कि सिरसा के अंदर तो इन दोनों तीनों पार्टियों का मिलकर के असर ठीक बन सकता है जी। और हरियाणा में आप क्या देख रहे हैं, क्या लगता है आपको पूरे हरियाणा के? कुछ कुछ सीटों पे है, नरवाना सीट है जहाँ पे विद्या रानी है, वो दो चुनाव कांग्रेस के टिकट पे लड़ चुके हैं। हाँ, उनका टिकट कटा कांग्रेस से, तो कटा या नहीं मिला उनको, तो वो चूंकि दोनों बार चुनाव हार चुकी थी और हो सकता है हाईकमान ने एक बार उनकी जमानत भी जब्त हुई, हो सकता है वो फार्मूला के तहत वो आ गई हो लपेट में। उनको अभी नेलो से उन्होंने नॉमिनेशन किया है, अगर उनको खाप का और उस पाल का जो समर्थन मिल गया, सिंपैथी जिसको कहते हैं वेव, तो हो सकता है वो फाइट में आए। हाँ, आपने बात नरवाना खेड़े, सुरजावीर खेड़े का क्या हुआ? वो रामनिवास ने पहले उनकी इच्छा थी लेकिन कुछ नजर नहीं आया, तो अब विड्रॉ करेंगे ना, ठीक है चलिए, अब वो चुनाव नहीं लड़ेगा। इनेलो फैसला ये हुआ जी, इनेलो बसपा और हलोपा सिरसा जिला नरवाना, इसके बाद कई सीट है, अब आपके ये फरीदाबाद एनआईटी सीट है, हथीन में है, मजबूत कैंडिडेट है, यहाँ कई जगह इनके रहेगा अच्छा प्रभाव जी। ये भी हो सकता है कई कुछ सीटों पर कामयाबी भी मिल जाए जी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा आंकड़ा 4-5 से ऊपर का तो जाने का कोई। चलिए ये चर्चा तो बाद में करेंगे, मतलब इनेलो और बसपा जो गठबंधन है जी, ये उभर कर आया, तीसरी पसंद बना है हरियाणा के अंदर, और चुनाव परिणाम को भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा। बिल्कुल, तो ये थे देवेंद्र सुरजेवाला जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद जो हरियाणा में तीसरी पसंद तीसरी ताकत बना वो इनेलो और बसपा गठबंधन बना, यानी कि जो 2019 के चुनाव में जननायक जनता पार्टी की स्थिति थी कुछ कुछ वहां पर इनेलो पहुंचती नजर आ रही है। चुनाव परिणाम आएगा, उससे पहले मतदान होगा, और उससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान हम नजर रखेंगे कि आखिर स्थिति बनती क्या है, बताया करेंगे आपको क्या हो सकता है हरियाणा में। हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।